हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्वल पाठक और आप इसे मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हम किस तरीके से इमेजेस के ऊपर फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किसी इमेज के डायमेंशंस कैसे जान सकते हैं, किसी इमेज की साइज़ को कैसे जान सकते हैं। ओके, एक्चुअली हमें नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा क्रॉपिंग वाला वीडियो है उसमें हमें इमेज के डायमेंशंस पता होने चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज। ओके, सॉरी, इमेज को मैंने यहाँ इम्पोर्ट कर लिया एंड मैं क्या करता हूँ, एक IMG ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसमें अपना इमेज एक कोई ओपन कर लेता हूँ, इमेज डॉट ओपन। एंड देखिए मेरे पास चार इमेजेस हैं, 1.jpg, 2, 3, 4, ये सब चार इमेजेस हैं। देखिए फर्स्ट की जो विड्थ है वो 1920 है और हाइट है 1200। ओके, हमें यही जाननी है, एक्चुअली ये मेरा एडिटर बता रहा है हमें ये जानना है। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको शो करके दिखा देता हूँ, img.show। ओके, देखिए ये इमेज है मेरी, फर्स्ट इमेज मेरी ये है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सपोज कीजिए इसका साइज़ जानना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट img.sizd, ठीक, साइज़। ओके, आप ध्यान रखिए कि साइज़ के बाद आप कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इसका जो विड्थ है वो 1920 है कॉमा हाइट 1200 है। ओके, तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमें विड्थ बता रही है, जो सेकंड वैल्यू है ये इसकी हाइट बता रही है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी इमेज की साइज़ को जान सकते हैं। सपोज इमेज सेकेंड इमेज है, ओके, तो सेकेंड इमेज को लिए मैं पहले इसे कमेंट कर देता हूँ एंड मैं इसको शो करके दिखाता हूँ। सेकेंड इमेज को रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास इमेज खुल जाएगी, देखिए मेरी सेकंड इमेज ये है। ओके, एंड मुझे क्या करना है, सपोज इसकी साइज़ जाननी है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शन रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, एंड हम क्या करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। देखिए तो इसकी जो विड्थ है वो 300 है एंड हाइट 168 है। ओके, तो इस तरीके से आप इमेजेस की विड्थ एंड हाइट को जान सकते हैं, डायमेंशन को जान सकते हैं। ओके, चलिए एक फाइनल एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि मैं थर्ड इमेज अपना यूज़ करता हूँ एंड सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ओके, रन करूँ, देखिए तो मेरा थर्ड इमेज है ये है। ओके, एंड मुझे सपोज़ कीजिए इसका साइज़ जानना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। ओके, देखिए इसका भी साइज़ हमें पता चल जाएगा, इसकी जो विड्थ है वो 1920 है एंड हाइट 1200 है। तो ध्यान रखिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये पिक्सल्स में है। ओके, अब देखिए ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली हमें एक ट्यूपल में है, ठीक, एक ट्यूपल फॉर्म है। मुझे सपोज कीजिए इनके ऊपर मुझे कोई काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लूँगा। ओके, तो दो वेरिएबल्स बनाते हैं, विड्थ कॉमा हाइट। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, इसमें अपना जो img.size पास करता हूँ, तो जो विड्थ है, विड्थ वैल्यू थी ये विड्थ वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एंड ये जो हाइट है 1200 पिक्सल ये हाइट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो सपोज ये मैं अब करता हूँ प्रिंट विड्थ एंड यहाँ पर विड्थ अगर मैं प्रिंट करूँ एंड नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, सपोज कि ये हाइट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हाइट कॉमा HEIGHT। ओके, एंड मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, देखिए विड्थ 1920, हाइट 1200। ओके, तो विड्थ वेरिएबल में किसी इमेज की विड्थ मैंने इस तरीके से स्टोर कर ली एंड हाइट वेरिएबल में स्टोर कर ली। ओके, ध्यान रखिए कि ये ट्यूपल अनपैकिंग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होप सो आपको किसी इमेज के डायमेंशंस पता करने आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।